संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोपों में घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। तो वहीं उनके ऊपर निशिकांत दुबे ने एक और आरोप लगाया है जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। जाने पूरी खबर एनबीसी भारत की इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी भारत और मैं हूँ आपके साथ प्रियंका चावला। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बीच टकराव लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। महुआ पर सांसद में सवाल पूछने के बदले कैश लेने का आरोप लगाने के बाद अब निशिकांत दुबे ने उनके ऊपर एक और गंभीर आरोप लगाया है। बता दें कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का कहना है कि जब महुआ भारत में थी तो उस वक्त उनकी पार्लियामेंट लॉगिन आईडी का इस्तेमाल दुबई में किया गया है, यानी नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर ने इसकी जानकारी जांच एजेंसियों को दी है। निशिकांत दुबे ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि एक सांसद ने चंद पैसों के लिए देश की सुरक्षा को दांव पर लगाया है। जब सांसद की आईडी को दुबई में खोला गया तो उस वक्त मोइत्रा भारत में ही थी। इस एनआईसी पर पूरी भारत सरकार और देश के प्रधानमंत्री वित्त विभाग केंद्रीय एजेंसी है। क्या अब भी टीएमसी और विपक्षियों को राजनीति करनी है? जनता इसका फैसला करेगी और एनआईसी ने इसकी जानकारी जांच एजेंसी को दे दी है। हालांकि इस पोस्ट में निशिकांत ने महुआ का नाम नहीं लिया। दरअसल निशिकांत दुबे इससे पहले भी महुआ मोइत्रा पर आरोप लगा चुके हैं कि वो लोकसभा में बिजनेसमैन दर्शन हिरंदानी की ओर से सवाल पूछने के लिए उनसे पैसे लेती हैं। साथ ही उनका कहना है कि मोइत्रा जानबूझकर पैसे के बदले अडानी ग्रुप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाती है, जो लोकसभा की एथिक्स के खिलाफ है। और निशिकांत ने एथिक्स कमेटी को इसकी शिकायत दे रखी है, जो कमेटी अभी देख रही है। हालांकि एथिक्स कमेटी ने निशिकांत दुबे को कहा है कि वो 26 अक्टूबर को उनके सामने पेश होकर मौखिक रूप में अपनी शिकायत दर्ज करवाएं। वहीं कमेटी को सबमिट किए गए हलफनामे में हिरानंदानी ने इस बात को स्वीकार किया है कि उन्होंने मोइत्रा की पार्लियामेंट्री लॉगिन आईडी का इस्तेमाल किया है और उनसे मोइत्रा ने उनसे रिश्वत लेकर संसद में अडानी ग्रुप को लेकर सवाल भी पूछे हैं। दूसरी ओर टीएमसी ने इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन मोइत्रा ने इस मुद्दे पर कड़ा रुख अख्तियार किया हुआ है। वो लगातार निशिकांत दुबे पर हमला बोल रही है। मोइत्रा ने कहा कि मैं सीबीआई और चार समिति के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूं, अगर वो मुझे बुलाते हैं तो। मेरे पास अडानी के निर्देशन में चल रहे मीडिया सर्कस ट्रायल या बीजेपी ट्रॉल्स का जवाब देने के लिए ना तो समय है और ना ही रुचि। साथ ही उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे एनबीसी भारत। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कॉमेंट में अपनी राय जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।